तो जल्दी हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कड़ी पत्ता लगाए हैं यानी कि मीठा नीम, तो इसे घना बनाने के लिए ऐसा क्या करें, घना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्रांच आए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पत्तियाँ आए, तो इसके बारे में लगाए बताएंगे आज दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बताती हूँ कि इसे हरा भरा कैसे किया जा सकता है। तो मीठा नीम का पौधा जो होता है दोस्तों, वह बहुत ही मेडिसिनल काम आता है। सौंदर्य में इसको भरपूर यूज किया जाता है, साथ ही साथ आयुर्वेदी में इसकी पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। और हम सबको मीठा नीम अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों, और यह बिल्कुल आसानी से लग जाता है। और आप सब चाहते हैं कि पौधा करी पत्ता का घना हरा कैसे हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्रांच कैसे आए। तो दोस्तों इसको आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ मेरा करी पत्ता है और इसको मैं लगाई हूँ, तो इसको मैं कटिंग से लगाई थी दोस्तों। मेरा करी पत्ता का वीडियो बहुत सा है, उसको मैं बहुत ज़्यादा, इसका जो मदर प्लांट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, मैं गमला में ही लगाई हूँ। इसका कई वीडियो मैं बनाई भी हूँ कि इसको कीड़ा से बचाने के लिए, ग्रोथ के लिए, बड़ा करने के लिए, सभी को बारे में मैं बताई हूँ कि कैसे इसमें होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे पास जो कड़ी पत्ता है, इसको मैं कलम से लगाई थी, और देखिए मेरा कड़ी पत्ता का कितना ज़्यादा बड़ा इसमें ग्रोथ भागा है, और बहुत ज़्यादा ये बड़ा है दोस्तों। ये बिल्कुल अपनी माप गई है, क्योंकि इसके माँ वाला जो प्लांट है दोस्तों, आप लोग देखे ही होंगे, बहुत बड़ा गमला में है, बहुत ज़्यादा उसमें ब्रांच और घना भी है। तो देखिए ये अभी इतना बड़ा हो गया है और इतना घना भी हो गया, इसका लेयर भी बहुत ज़्यादा भागा है दोस्तों। तो आज इसी के टॉपिक रहेगा कि इसको हम कैसे बड़ा करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच लाएं। और देखिए कि यहाँ पर ये जो है, देखिए यहाँ से ब्रांच निकला हुआ है और दो ब्रांच इसमें आया हुआ है, और ये भी स्वस्थ है और ये भी अच्छा है। तो इसको भी मैं बहुत ज़्यादा इसको घना बनाऊंगी और इसको भी बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर ले जाऊंगी। तो दोस्तों इसी के बारे में आज बात करते हैं। तो जो इसमें क्या चीज़ ऐसा डालना है दोस्तों, इसके बारे में बात करूंगी कि क्या चीज़ इसमें डालना है। तो आपको मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ दोस्तों। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों कि मेरे हाथ में जो है एक गुड़ है, इसको मैं तोड़ूंगी और इसी को मैं बताती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गुड़ किस लिए लिए हैं। तो दोस्तों गुड़ में बहुत ज़्यादा इसमें मैग्नीशियम होता है और बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, सल्फर होता है। तो हमारे पौधों को, मिट्टी को बहुत ज़्यादा अच्छी करती है। और इसको मैं इसमें आज डालकर आप सबों को बताऊंगी कि कैसे इसमें होता है। तो इसी के बारे में आज बताऊंगी मैं दोस्तों। तो जैसे कि देख रहे हैं मैं यहाँ ले ली हूँ इसमें, और इसको अच्छी तरह से आप तोड़ लीजिए। तो देखिए दोस्तों इस गुड़ में मैं पानी डाल दी हूँ। अब पानी डालने के बाद इसको आप 24 घंटा भी रख सकते हैं, 2 घंटा भी रख सकते हैं। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा छोड़ देती हूँ 1-2 घंटा के लिए, फिर आपसे बात करती हूँ दोस्तों। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ मेरा कड़ी पत्ता है जो कितना अच्छा सा ग्रोथ लिए हुए है। तो इसमें मैं एक चीज़ और मिलाऊँगी दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे देखिए दोस्तों यहाँ मैं एक्सम साल्ट ली हूँ, मैग्नीशियम जिसे बोलते हैं दोस्तों, एक्सम साल्ट है। इससे आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको मिट्टी को अच्छी करेगी और इसको पीला पत्ती होने से बचाएगा, ग्रोथ भी लाएगा और जल्दी इसमें हरा भरा करेगा। तो मैं देखिए कि कितना 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ, और इसको थोड़ा सा आप छोड़ दिया कीजिए पूरा,
आप अगर आपका ज़्यादा पौधा नहीं है, एक ही पौधा है दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा सा एकदम डालें। जैसे मैं एक टीस्पून डाली हूँ, तो मैं दिन तीन चार पौधा में इसको डालूँगी। मेरे पास कड़ी पत्ता कई सारी है, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि इससे भी बहुत कम मात्रा में लीजिए, और इसको थोड़ा सा घुलने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको जो पीली पीली पत्तियां नज़र आती है, जैसे आप इस पे गर्मी का प्लांट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस धूप बर्दाश्त करता है, हार्डली प्लांट है, इसको आप धूप में बिल्कुल रखिए, आराम से दम रखिए, धूप में ये अच्छी ग्रोथ करेगी। और इसको बढ़ाने के लिए, जैसे लेयर बढ़ाना है आपको दोस्तों, जल्दी ज़्यादा हरा भरा करना है, तो इसके बारे में भी मैं बताई हूँ। जैसे ऐसा पता रहे तो हटा दिया कीजिए, इसको यूज में आप ले लिया कीजिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है दोस्तों, इसको तोड़ दीजिए। और बसंत ऋतु में तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेयर आएगा इसमें। और जैसे कि आप इसको रेनी सीजन में लगाते हैं, तो रेनी सीजन में बहुत जल्दी ग्रो करता है कटिंग से। तो जैसे देख रहे हैं कि मैं तो कटिंग से ही लगाई थी, कितना बड़ा ज़्यादा हो गया है ये। तो दोस्तों, इसको अब क्या करनी है कि मिट्टी को अच्छी तरह से आप गुड़ाई करिए। अब मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई करिए दोस्तों, और हर सप्ताह 15 दिन पर आप गुड़ाई करते ही रहिए। और मिट्टी को बिल्कुल आप एकदम भुरभुरी रखिए। जैसे कि मिट्टी आप भुरभुरी रखेंगे, तो इसमें दो फायदा होगा कि जल्दी रूट सड़े का चांस नहीं रहेगा, ज़्यादा पानी रहेगा तो। अब पानी कम देना पड़ता है दोस्तों इसमें, क्योंकि ये हार्डली प्लांट है, तो इसको आराम से आप पानी इसको 2-3 दिन पर दीजिए। और गर्मी गर्मी ज़्यादा अगर पड़ रही है दोस्तों, तो इसको आप सुबह शाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों कि मैं इसको अच्छी तरह से इसमें गुड़ाई कर दी, और 1 से 1.5 इंच तक आप गुड़ाई करिएगा। तो जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्लावर है दोस्तों, तो मैं इस सभी प्लांट में थोड़ा थोड़ा दूंगी जो इसको चाहिए। और इसमें पत्ती जिस भी प्लांट में आपको पीला हो गया है, उसमें आप डाल सकते हैं कि पत्तियाँ पीली होने से ये बचाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको 2 घंटा हो गया, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसको आप चला लीजिए दोस्तों इस तरह से, देखिए। और इस तरह से आप इसको डाल दिया कीजिए, तो आपको देखिएगा, यकीन नहीं मानिएगा दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा इसमें लेयर भी आ गया है, और बहुत जल्दी ये हरा भरा भी हो गया है। तो इसी तरह से आप कड़ी पत्ता को लगाइए, और इसको जल्दी हरा भरा घना करिए, बिल्कुल ये जंगल की तरह हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि ये देख रहे हैं। और मैं वीडियो पोस्ट की हूँ भी कि कितना बड़ा मेरा ग्रोथ है उसमें, कितना बड़ा कड़ी पत्ता है मेरा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।